नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक पावर बैंक की, जो ही पोटोनिक्स की तरफ से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास पावर बैंक और ये काफी कॉम्पैक्ट से बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पेशली ये जो पावर बैंक है आईफोन के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिफ चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स करता हूं और आपको दिखाता हूं क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसको अनबॉक्स करने से पहले बात कर ली जाए कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। अगर मैं अपना यूज केस बताऊं तो अभी मेरे पास आईफोन 15 है और इससे पहले मैं नथिंग फोन 2 यूज कर रहा था। और जो नथिंग फोन 2 है उसमें काफी अच्छी बैटरी कैपेसिटी थी, यानी 5000 mAh की। वहीं जो हमारे आईफोन 15 है इसमें 3350 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। इसीलिए जो इसका बैटरी बैकअप है मुझे थोड़ा बहुत कम लगता है, ऐसा भी नहीं बहुत कम, ऑल डे लॉन्ग ही चल जाता है। पर अभी मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले ही मैं एक ट्रिप पे गया था, तो वहां पे मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी वो सारी इसी से करी थी और जो भी फोटोज वगैरह खींचे थे मैंने इसी को यूज करके फोटो खींचे थे। तो इसीलिए जो इसकी बैटरी है वो लगभग 4-4.5 घंटे में ड्रेन हो गई थी। और क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं था यानी पावर बैंक का, तो मुझे जो अपना मोबाइल फोन है वो डिस्चार्ज ही रखना पड़ा था। फिर जब मैं होटल रूम में गया था वहां मुझे चार्ज करना पड़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अब मैं जल्दी से जाकर एक पावर बैंक जरूर बाय करूंगा। तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया है। और प्राइस पॉइंट को देखते हुए सबसे अच्छा मुझे ये लगा था और इसके रिव्यू भी काफी ठीक ठाक है। और बात प्राइस की चल रही है तो यहाँ पे जो इसका MRP है वहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 rupees है। और बाकी इसे मैंने 1400 rupees का Amazon से बाय किया है। आप भी इसको बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सामने की तरफ आपको प्रॉपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ऐसे लिखा हुआ है। और जिसका मैक्सिमम आउटपुट है वो 22.5 W फास्ट चार्जिंग के साथ और ये 10000 mAh कैपेसिटी के साथ आता है। और इस साइड आप देख सकते हैं इसके कुछ फीचर लिखे गए हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। और इसमें जो वायरलेस आउटपुट है वो आपको मैक्सिमम 15 W का देखने को मिलेगा और इतना ही आउटपुट है वो आईफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको LED इंडिकेटर इसमें देखने को मिल जाते हैं। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, जो काफी अच्छी बात है और एक ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करें तो इसको 3 घंटे तक चार्ज कीजिएगा। बाकी ये जो पावर बैंक है BIS सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो काफी अच्छा है और काफी ड्यूरेबल और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा पावर बैंक आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ कंटेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक छोटी सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको पता ही जो पावर बैंक होते हैं उसमें ऐसी चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अच्छी बात ये है कि जो चार्जिंग केबल है आपको टाइप सी टू टाइप सी देखने को मिल जाएगी। बाकी बॉक्स में आपको एक ही वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप वारंटी को रजिस्टर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ही यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैं इसमें वीडियो में कवर ही कर दूंगा। और उसके बाद फाइनली जो हमारा पावर बैंक है वो हमें इस तरीके से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक में जो पावर बैंक है आपको देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल है, पर मुझे ब्लैक कलर पर्सनली काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर में बाय किया है। और इधर आप देख सकते हैं जो इसका फिनिश है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, ये प्लास्टिक फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, कोई मेटल का इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं पोटोनिक्स ने इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, नथिंग की तरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन भी किया गया 22.5 W का आउटपुट है इसमें। बाकी ये जो कंपोनेंट्स है डिज़ाइन के लिए एक्चुअल कंपोनेंट इसके अंदर होंगे। और इधर आपको जो पोटोनिक्स का लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। बात कर ली जाए पोर्ट्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक ही सिंगल पोर्ट है टाइप सी वाला, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है। और उसके बाद एक ये माइक्रो USB का पोर्ट है जो कि आउटपुट को ही सपोर्ट करता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको पावर ऑन बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको बटन को प्रेस करेंगे, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे इस तरीके से LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बताता है कि आपका जो पावर बैंक है वो कितना चार्ज है। और मैं आपको बता दूं, जब भी पावर बैंक को यूज़ करेंगे वायरलेस चार्जिंग के लिए तो थोड़ा बहुत ये हीटअप होता है, पर ज़्यादा हीट नहीं होता है, मैनेजेबल है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको एक ऐसा केस बाय करना पड़ेगा हेडफोन के लिए जो कि मैक्सिफ वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है। और सिंपली आपको जो आपका पावर बैंक है वो यहाँ पे बैक साइड पर प्लेस कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो इसने चार्जिंग है वो शुरू कर दी है, जो चार्जिंग है वो ऑन हो चुकी है और अभी चार्ज हो रहा है हमारा मोबाइल फोन। और एक चीज़ मैं आपको इसका प्लस पॉइंट और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी मैग्नेटिक कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं मैंने किसी भी साइड से आईफोन को टच नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने पावर बैंक को ही पकड़ा हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका फोन है वो काफ़ी अच्छे से इसमें स्टिक हो जाएगा और काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक कैपेसिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आप ओवरऑल वेट की बात करेंगे तो लगभग 180 ग्राम का तो आपका पावर बैंक है और इतना ही आपका जो मोबाइल फोन है वो होता है। और लगभग 20-30 ग्राम का ये केस मान लीजिए, अंडर 400 ग्राम का ये जो टोटल वेट है आपको देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि ये 10000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, तो अगर आप 2-4 दिन की कोई छोटी मोटी ट्रिप पे जा रहे हैं मेरी तरह, तो आपको ये पूरी ट्रिप पे काफी अच्छे से साथ देगा और काफी अच्छा जो इसका आउटपुट है आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर इसे बाय करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई और एक्सेसरीज चाहिए अपने इस आईफोन के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। तो और दोस्तों ये आप ही का चैनल है, इसमें जो भी चीजें होती है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके और आपका मनी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए सिर्फ मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अनबॉक्सिंग, थैंक यू।